इस वीडियो लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है, अ सिलेंडर 40 mm डायमीटर एंड 70 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द एचपी। इट इज कट बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ 50 mm फ्रॉम द बेस ऑन द एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू एचपी। अ थ्रू होल ऑफ 20 mm डायमीटर इज ड्रिल्ड एट 30 mm अबव द बेस ऑन द एक्सिस। डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 40 mm दिया गया है और उसकी हाइट 70 mm है। वो अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और ये सिलेंडर अपने बेस से एक्सिस के ऊपर 50 mm ऊपर से 40 डिग्री के एंगल पर कट हो रहा है और एक्सिस पर ही बेस से 30 mm ऊपर से 20 mm डायमीटर का एक थ्रू होल भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस कंडीशन से हमें इस सिलिंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये जो सिलेंडर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक एक्स वाई लाइन से ऊपर का जो प्लेन रहेगा वो वर्टिकल प्लेन रहेगा और वर्टिकल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का फ्रंट ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई लाइन से नीचे का प्लेन जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू ड्रॉ किया जाता है। तो इस कंडीशन से हमें इस सिलेंडर का टॉप व्यू है उसमें 40 mm डायमीटर का एक सर्कल नज़र आएगा और अगर हम इस सिलेंडर सरफेस का फ्रंट व्यू देखें तो हमें 40x70 mm डायमेंशन का एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू में 40 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम इस सर्कल के 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 1 to 8 पॉइंट है वो सिलेंडर के बेस के 8 पॉइंट बनेंगे, वैसे ही सिलेंडर के टॉप के भी 8 पॉइंट बनेंगे जिसे हम मार्क करेंगे पॉइंट ए से, देन बी सी डी ई एफ जी और एच। तो 1 to 8 पॉइंट है वो सिलेंडर के बेस के 8 डिवीजन है और ए टू एच पॉइंट है वो सिलेंडर के टॉप के 8 पॉइंट्स है। अब हम सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके फ्रंट व्यू में 40x70 mm का रेक्टेंगल जनरेट करेंगे। डेटा में आगे बताया गया है कि ये जो सिलेंडर है वो अपने बेस से 50 mm ऊपर से हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 डिग्री के एंगल पर कट हो रहा है। तो अब हम एक्सिस के ऊपर बेस से 50 mm ऊपर मार्किंग करेंगे। तो ये हाइट है 50 mm। अब हम इस पॉइंट से 40 डिग्री के एंगल पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया 10, 20, 30 और 40 डिग्री। अब हम ये पॉइंट और ये पॉइंट में से पास होती हुई कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है कटिंग प्लेन लाइन जिसे हम CPL से डेजिग्नेट करेंगे और ये जो एंगल बन रहा है वो है 40 डिग्री। यहाँ पर इस सिलेंडर की टोटल हाइट है वो है 70 mm। ये सिलेंडर का डायमीटर है वो है 40 mm। अभी डेटा में आगे बताया गया है कि इस एक्सिस लाइन पर बेस से 30 mm ऊपर से 20 mm डायमीटर का एक होल है वो ड्रिल हो रहा है। तो अब हम इस एक्सिस पर बेस से 30 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये बनेगा इस 20 mm डायमीटर का। अब हम इस पॉइंट को सेंटर रखकर 20 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम 10 mm की रेडियस लेंगे और इस पॉइंट को सेंटर रखकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कटिंग प्लेन लाइन है उस लाइन के जो उस लाइन से नीचे का पोर्शन बचेगा
अब यहाँ पर ये जो कटिंग प्लेन लाइन है उस लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है वो कट हो गया है और बाकी नीचे का पोर्शन है उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने जो 1 to 8 पॉइंट मार्क किए हैं वो 8 पॉइंट इस सिलेंडर के बेस के पॉइंट है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 डैश, ये होगा 2 डैश, देन 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश। वैसे ही यहाँ पर ए टू एच पॉइंट है वो टॉप सरफेस के 8 पॉइंट बनेंगे, तो यहाँ मिलेगा ए डैश, ये होगा बी डैश, देन सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश एंड यहाँ होगा एच डैश। इस सर्कल का डायमीटर है 20 mm और ये सर्कल का सेंटर इस बेस से 30 mm ऊपर है। तो यहाँ पर डेटा में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन से हमने इस सिलिंड्रिकल सरफेस का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जनरेट कर लिया। अब हम इस सिलिंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट शुरू करेंगे। तो अगर हम सिलिंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट करें तो हमें रेक्टेंगल शेप मिलता है, तो उस रेक्टेंगल की जो हाइट बनेगी वो 70 mm रहेगी और उसकी जो लेंथ बनेगी वो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस जितनी यानी इस सर्कल के परिघ जितनी बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 70 mm हाइट को ट्रांसफर करेंगे, तो ये है रेक्टेंगल की हाइट जो कि है 70 mm। अभी जो लेंथ बनेगी वो होगी इस सर्कल के सर्कमफेरेंस जितनी और उसका फॉर्मूला है पाई इंटू डी, तो यानी अगर हम पाई मल्टीप्लाई बाय 40 mm करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 126 mm। तो अब हम इस पॉइंट से 126 mm लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने इस सर्कल के 8 डिवीजन किए हैं, तो अब हम इस 126 mm लाइन के भी 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ मिलेगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश, देन 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश और ये होगा 1 डैश। अब हम इस सभी पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ इस होल के सभी क्वाड्रेंट में से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ये जो कटिंग प्लेन लाइन है वो जितने भी जनरेटर से टच हो रही है उस सभी पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, तो यहाँ पर हमने बेस में 1 डैश 2 डैश अप टू 1 डैश पॉइंट मार्क किया है। वैसे ही इस टॉप सरफेस पर हम मार्क करेंगे ए डैश, देन बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब यहाँ इस सिलेंडर के बेस के जो पॉइंट है वहाँ पर कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 1 डैश से ये जो 1 डैश की लाइन है वो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, तो उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 1 डैश से ए डैश की लाइन है वहाँ पर भी कुछ कटिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 1 डैश से ए डैश की लाइन भी हमें डार्क लाइन से जोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम ए डैश से बी डैश जाएँ तो यहाँ पर 40 डिग्री का कटिंग हो रहा है, तो जो बी डैश पॉइंट है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलेगा, तो ए डैश से बी डैश को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे।
वैसे ही अगर हम बी डैश से सी डैश जाए तो वहाँ पर भी 40 डिग्री का कटिंग हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा, तो उसे भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। और अगर हम सी डैश से डी डैश जाए तो यहाँ भी कटिंग हो रहा है, तो ये जो डी डैश का पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। वैसे ही अगर हम डी डैश से ई डैश तक जाए तो भी 40 डिग्री का कटिंग हो रहा है, तो ई डैश पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। और अगर हम ई डैश से एफ डैश जाए तो ये जो कटिंग है अभी ऊपर की ओर जा रहा है, तो एफ डैश का पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन एफ डैश से जी डैश जाए तो भी कटिंग हो रहा है जो कि ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो वो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, तो इस पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ेंगे। देन अगर हम सी डैश से एच डैश तक जाए तो भी ऊपर कटिंग हो रहा है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, तो इसे भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। और फाइनली एच डैश से ए डैश तक जाए तो भी ऊपर की दिशा में 40 डिग्री का कटिंग हो रहा है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, तो अब हम एच डैश और ए डैश के पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। और फाइनली हमें राइट साइड में भी ए डैश वन डैश लाइन है वो इसी तरह से डार्क लाइन मिलेगी। अब हम इस 20 मिलीमीटर होल का डेवलपमेंट करेंगे, तो ये जो होल है वो 3 डैश सी डैश और 7 डैश जी डैश लाइन पर उसका सेंटर है, तो यहाँ पर 3 डैश सी डैश लाइन पर इस पॉइंट पर हम सेंटर मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो ऊपर का क्वाड्रेंट है वो इस पॉइंट पर मार्क करेंगे, और जो नीचे का क्वाड्रेंट है वो इस पॉइंट पर मार्क करेंगे, और बाकी जो ओरिजिनल क्वाड्रेंट है उसके लिए हम इस क्वाड्रेंट पॉइंट में से टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट साइड का ओरिजिनल क्वाड्रेंट है वो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में मिल रहा है, तो अब हम यहाँ 3 से इस पॉइंट तक की रेडियस लेंगे, और यहाँ पर हम सेंटर मार्क करेंगे और लेफ्ट साइड की दिशा में एक पॉइंट मार्क करेंगे। वैसे ही यहाँ पर ये जो राइट साइड का क्वाड्रेंट है उसमें से जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है वो यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में इंटरसेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर भी उतनी ही रेडियस हमें मिलेगी, और यहाँ पर हम इस पॉइंट को सेंटर रखेंगे और राइट साइड में पॉइंट मार्क करेंगे। अब हम इन सभी पॉइंट को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। वैसे ही हमें 7 डैश जी डैश जनरेटर पर भी ऐसा ही होल मिलेगा, तो यहाँ पर भी जो हमें रेडियस मिलेगी वो सेम ही मिलेगी, तो अब हम इस सेंटर लाइन पर 7 डैश जी डैश जनरेटर को सेंटर रख के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे। और जो वर्टिकल दो क्वाड्रेंट है वो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पर मिलेंगे। अब हम इन चारों पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का यह प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।